मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 13 मार्च की शाम 12 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। NIA ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी के घर इंटालिया के पास विस्फोटक से भरी SUV गाड़ी रखने की साजिश और गवाह मनसुख हिरेन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इंटालिया केस को NIA को ट्रांसफर करने से पहले इस केस के सचिन वाजे प्रमुख जांचकर्ता थे। उद्धव ठाकरे सरकार ने कुछ ही हफ्ते पहले सचिन वाजे को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से बाहर किया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब सचिन वाजे विवादों में आए हैं। इससे पहले भी वो इस तरह केस और विवादों में फंस चुके हैं। आइए जाने कौन है सचिन वाजे और कब कब फंसे वो विवादों में। जानकारी के अनुसार जो SUV मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ी थी, उसके मालिक के तौर पर थाने में एक ऑटो पार्ट्स डीलर मनसुख हिरेन का नाम सामने आया था। उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि जो कार मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी थी वो इस घटना से एक हफ्ते पहले ही चोरी हो गई थी। इसके बाद 5 मार्च 2021 को मनसुख हिरेन को मुंबई में एक नाले से मृत पाया गया था। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने पति के हत्या के लिए सचिन वाजे को दोषी ठहराया है। विमला हिरेन जो कि मनसुख हिरेन की पत्नी है, उन्होंने दावा किया है कि पति ने नवंबर में पुलिस अधिकारी को SUV दी थी जिसे उन्होंने फरवरी के पहले सप्ताह में वापस कर दिया था। सब इंस्पेक्टर से लेकर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तक की क्या है वाजे की कहानी। सचिन वाजे 1990 में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में महाराष्ट्र पुलिस बल में शामिल हुए थे। सचिन वाजे की पहली पोस्टिंग गदरौली के माओवाद प्रभावित इलाके में हुई थी, फिर उन्हें थाने शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ ही सालों में वो क्रिमिनल केसों के बेहतरीन जांचकर्ता के रूप में सामने आए। उसके बाद उन्हें थाने पुलिस की अपराध शाखा के विशेष दस्ते में शामिल किया गया, जहां वो एक एनकाउंटर के बाद मशहूर हुए। कहा जाता है कि इसके बाद कई ऐसे एनकाउंटर को सचिन वाजे ने अंजाम दिया है, जिसके बाद उन्हें मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। बताया जाता है कि सचिन वाजे तकरीबन 60 एनकाउंटर कर चुके हैं। सचिन वाजे विवाद में आए दिसंबर 2002 में। 2 दिसंबर 2002 को घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर एक ब्लास्ट हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में 3 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ सचिन वाजे पर घाटकोपर विस्फोट के आरोपी ख्वाजा यूनुस की हत्या का आरोप लगा था। 27 वर्षीय ख्वाजा यूनुस सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 2002 में घाटकोपर में हुए बम धमाके के मामले में ख्वाजा यूनुस को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया और बाद में पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। पहले ये बात सामने आई थी कि वो फरार हो गया था, लेकिन CID ने इस बात का खुलासा किया कि पुलिस कस्टडी में पिटाई के दौरान उसकी मौत हुई थी। इसके बाद CID ने सचिन वाजे पर और 3 अन्य पुलिसकर्मियों राजेंद्र तिवारी, राजाराम निकम और सुनील देसाई पर 3 मार्च 2004 को हत्या और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया। सचिन वाजे ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया था। ख्वाजा यूनुस हत्या मामले में सचिन वाजे को मार्च 2004 में ही सस्पेंड कर दिया गया था। सचिन वाजे ने 30 नवंबर 2007 में महाराष्ट्र पुलिस विभाग से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया था, जिसके पीछे यह तर्क दिया गया था कि उनके ऊपर जांच हो रही है। इसके बाद साल 2008 में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि सचिन वाजे 2008 तक शिवसेना के सदस्य थे, लेकिन अब उनका पार्टी से संबंध नहीं है। ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था, सचिन वाजे 2008 तक शिवसेना में थे, लेकिन उन्होंने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया और अब उनका शिवसेना से कोई संबंध नहीं है। साल 2004 में पुलिस विभाग से सस्पेंड होने के बाद 6 जून 2020 को सचिन वाजे को फिर से पुलिस बल में बहाल किया गया था। सचिन वाजे क्राइम ब्रांच की खुफिया इकाई CIU में पद पर फिर से वापसी की। उसके बाद सचिन वाजे ने कुछ हाई प्रोफाइल मामलों को संभाला था, जिसमें टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी TRP में हेराफेरी का मामला शामिल है, जिसमें ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दास गुप्ता सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा TRP को लेकर रिपब्लिक TV से जुड़ा मामला, सचिन वाजे उस पुलिस टीम का भी हिस्सा थे जिसने अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में नवंबर 2020 में पत्रकार अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया था।
इसके अलावा 28 दिसंबर 2020 को सचिन वाजे ने फेमस स्पोर्ट्स कार डिजाइनर दिलीप छावड़िया को भी गिरफ्तार किया था। सचिन वाजे उस केस को भी देख रहे थे जो 2016 से कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच चला आ रहा था। केस में नया अपडेट यह है कि एटीएस ने मुकेश अंबानी के घर के पास मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक मुंबई पुलिस का निलंबित सिपाही और दूसरा क्रिकेट बुकी है। अदालत ने दोनों को एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। शुरुआती जांच में एटीएस सचिन वाजे को इस मर्डर केस का सूत्रधार मान रही है। एटीएस के पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने बताया कि मनसुख हिरेन हत्या मामले में निलंबित सिपाही विनायक बाला साहेब शिंदे और क्रिकेट बुकी नरेश रमणिक लाल गोरे को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी सीआईयू के निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे के साथ मनसुख की हत्या में शामिल थे। सूत्रों की माने तो क्लोरोफॉर्म को मनसुख के चेहरे पर बंधे 5 रुमालों में डाला गया था और माना जा रहा है कि सांस रोकने के बाद आरोपी कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रुमाल को मनसुख के चेहरे पर बांधकर पानी में फेंका था। हालांकि चेहरे पर बंधे रुमालों को देख ही यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि मनसुख की हत्या हुई है और उन्होंने सुसाइड नहीं किया। हत्या को लेकर एटीएस ने 10 खुलासे किए हैं। पहला, सचिन वाजे ने ही मनसुख को तावड़े नाम से व्हाट्सएप पर कॉल करके बुलाया था। दोनों की बातें मनसुख की पत्नी विमला ने सुनी थी। दूसरा, मनसुख की हत्या रात 10 बजे के आसपास हुई। उसके बाद सचिन मुंबई आया और लगभग रात 11:48 पर डोंगरी के टिप्सी बार में रेड का नाटक किया। जब मनसुख की हत्या की जा रही थी तो सचिन वाजे एक ऑडी कार में बैठकर सब देख रहा था। तीसरा, सीडीआर रिपोर्ट के मुताबिक सचिन वाजे ने हत्या वाली रात को एक भी फोन कॉल नहीं किया था और ना ही उसको किसी का फोन आया था। माना जा रहा है कि वो लगातार व्हाट्सएप ऐप कॉल से लोगों से बात कर रहा था। चौथा, सचिन वाजे ने डोंगरी इलाके में टिप्सी बार में रेड का नाटक किया ताकि अगर मनसुख हिरेन की हत्या मामले की कोई जांच भी हो तो वो जांच की दिशा को यह कहकर भटका सके कि वो तो उस रात मुंबई के डोंगरी इलाके में ही था। टिप्सी बार के सीसीटीवी फुटेज से भी यह बात का खुलासा हुआ है कि रेड के समय सचिन वाजे वहां मौजूद था। पांचवा, थाने के गोडबंदर से आने के बाद सचिन वाजे पहले मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर गया और इसके बाद सीआईयू के अपने ऑफिस और फिर अपने मोबाइल को वहां चार्जिंग पर लगा दिया ताकि उसका लोकेशन कमिश्नर ऑफिस ही दिखे। छठा, सचिन वाजे ने एटीएस को अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि 4 मार्च को वो पूरे दिन मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के सीआईयू ऑफिस में था, लेकिन मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक वो दोपहर में 12:48 पर चेंबूर के MMRDA कॉलोनी में था। सातवां, मनसुख के पास एक मोबाइल था जिसमें 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था। एटीएस ने उन दोनों नंबर के CDR निकाले तो पता चला कि उनमें से एक नंबर पर मनसुख को आखिरी फोन कॉल रात 8:32 पर उनकी पत्नी का आया था और फिर दूसरे नंबर पर रात 10:10 पर 4 मैसेज आए। इस दौरान फोन का लोकेशन वसई का मालजी पाड़ा था। आठवां, इस मामले में गिरफ्तार विनायक शिंदे ने बताया कि वो वाजे से बात करने के लिए फर्जी दस्तावेज पर खरीदे सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। नौवां, उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी भरा पत्र खुद सचिन वाजे ने लिखा था। यह खुलासा मनसुख केस में गिरफ्तार हुए विनायक शिंदे के घर काम करने वाले पेंटर ने किया। और दसवां, वाजे ने अपनी साजिश में मनसुख को शामिल किया था, इसके सबूत एटीएस और एनआईए को मिले हैं। लेकिन जब तक एटीएस सचिन वाजे से पूछताछ नहीं कर लेती तब तक वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती। यह भी साफ नहीं है कि मनसुख डर या फिर अपनी मर्जी से वाजे के साथ था। फिलहाल दोनों के बीच संपर्क के डिजिटल एविडेंस एटीएस को मिले हैं। एंटीलिया केस में जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या की जांच हाथ में आने के बाद से एक्शन मोड में है। एनआईए की टीम ने मुंबई की मीठी नदी से एक कंप्यूटर का हार्ड डिस्क DVR, CD, एक गाड़ी की 2 नंबर प्लेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बरामद किया है। अब इस नंबर प्लेट को लेकर नया खुलासा हुआ है।
एनआईए को पता चला है कि यह नंबर प्लेट राज्य के समाज कल्याण विभाग में क्लर्क के रूप में कार्यरत जालना के रहने वाले विनय नाडे की चोरी हुई मारुति इको कार की है। यह कार औरंगाबाद से चोरी हुई थी। इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 20 नवंबर 2020 को औरंगाबाद के सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। एनआईए अब इस बात का पता लगा रही है कि इस कार से क्या एपीआई सचिन वाजे कोई और वारदात करने वाला था या फिर इसका इस्तेमाल वह मामले को भटकाने या फरार होने के लिए करना चाहता था। मीठी नदी में मिले सबूतों की जांच पुणे से आई सीएफएसएल टीम कर रही है। एनआईए के अधिकारी सस्पेंड किए गए असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे से पूछताछ कर रहे हैं। ये पूछताछ वाजे के साथी विनायक शिंदे के सामने बैठाकर की जा रही है। इससे पहले एनआईए वाजे को हुकी नरेश गौड़ और शिंदे के सामने बैठाकर दो बार पूछताछ कर चुकी है। बिहार इन शॉर्ट के लिए मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।